तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस ट्रैवल के बारे में। जैसा कि आपको न्यूज में बहुत लोग बता रहे होंगे कि जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन ने कर लिया है स्पेस ट्रैवल, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग 90-95% जो लोग आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेशन भी होता है कि इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय द वे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर जैसा कि दो दिन पहले यानी कि मंगलवार को, यानी कि 20 जुलाई को जेफ बेजोस ने स्पेस ट्रैवल किया था। जेफ बेजोस ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं दुनिया का सबसे पहला इंसान बनने वाला हूँ जो स्पेस ट्रैवल करेगा, यानी कि अपने प्राइवेट रॉकेट में स्पेस ट्रैवल करेगा। यानी कि जैसे कि हम लोग घर से पिकनिक की ओर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं एक दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वैसे ही जेफ बेजोस भी स्पेस ट्रैवल करेंगे। लेकिन उनके स्पेस ट्रैवल करने से पहले ही अपने प्राइवेट रॉकेट से किसी और ने, यानी कि रिचर्ड ब्रांसन ने 11 जुलाई को ही स्पेस ट्रैवल कर लिया। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये था कि जो रिचर्ड ब्रांसन थे उन्होंने भी अपने ही कंपनी के रॉकेट से ट्रैवल किया था, लेकिन उनके कंपनी के जो रॉकेट की जो विंडोज़ थी वो एरोप्लेन की जैसे विंडोज़ होती हैं छोटी छोटी, वैसी थी। लेकिन यहाँ पर जेफ बेजोस की जो रॉकेट की विंडोज़ थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज ये आया था कि जो रिचर्ड ब्रांसन थे वो बस 80 किलोमीटर ऊपर तक गए थे, लेकिन यहाँ पर जो जेफ बेजोस थे वो 108 किलोमीटर ऊपर तक गए थे। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस की बात नहीं करने वाले हैं। मुझे बस एक इन्फॉर्म करना था कि आपको कि अब स्पेस ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इसके बात करें कोस्ट की, तो यहाँ पर जो रिचर्ड ब्रांसन है उन्होंने अपने रॉकेट के स्पेस ट्रैवल की कोस्ट को बताया है $2 लाख, मतलब कि यहाँ पर 2.5-3 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, मतलब कि कोई आप बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, आप करोड़पति नहीं हैं, अरबपति नहीं हैं, तो आप इस स्पेस ट्रैवल को नहीं कर सकते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जो अरब खरबपति है वहीं इन स्पेस ट्रैवल को अभी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या जो नॉर्मल लोग भी हैं वो भी स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे? तो हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में आज से 30-40 साल बाद हमारे जैसे नॉर्मल जो लोग हैं वो भी शायद स्पेस ट्रैवल कर पाएँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट होता है, और ये टेक्नोलॉजी जो है समय के साथ सस्ती होती जाती है और ज़्यादा एडवांस होती जाती है। तो हो सकता है कि ये जो स्पेस टूर की जो टेक्नोलॉजी है वो जो है सस्ती हो जाए इन फ्यूचर 20-30 सालों में, शायद ये जो टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा सस्ती हो जाए और नॉर्मल पीपल भी इसका एंजॉय कर पाएँ। लेकिन अभी जो है बड़े बिजनेसमैन या जो भी अरब खरबपति लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहीं अभी इसका मज़ा उठा सकते हैं। और ये जो स्पेस ट्रैवल था वो ज़्यादा देर का नहीं था, 1-2 घंटे का था। तो यहाँ पर अगर पिकनिक पर जाते हैं तो वो भी 1-2 घंटे का टाइम होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने ये भी आलोचनाएं की हैं जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन की तरफ से कि ये लोग जो इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, इतना जो है स्पेस ट्रैवल के लिए इतना मेहनत किए हैं, अगर ये क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा सा मेहनत कर देते थे तो शायद अच्छा होता। तो दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये भी बात सही है, बट अगेन साइंस को इवोल्व होना होगा और स्पेस ट्रैवल अब एक सच्चाई है, ये सही बात है। बाय द वे, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कर वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप मुझे इस चैनल पर ये भी बता सकते हैं कि आपको इस चैनल पर किस किस टाइप की वीडियोज चाहिए और मुझे इस चैनल पर किस किस टाइप की वीडियोज को बनाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।